नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, नवरीत सिंह के घर पहुंची प्रियंका गांधी। 26 जनवरी की हिंसा के दौरान हुई थी नवरीत की मौत। नवरीत की मौत पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी ने नवरीत के परिजनों से की मुलाकात। नवरीत सिंह के घर पहुंची प्रियंका गांधी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 जनवरी की हिंसा के दौरान हुई थी नवरीत की मौत। उनकी मौत पर दुख जताने उनके परिवार वालों से मिलने प्रियंका गांधी रामपुर पहुंच गई हैं। रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियों में भी टक्कर हो गई थी, ये भी बड़ी खबर है मैं आपको बता दूं। वहीं प्रियंका गांधी रामपुर पहुंच चुकी है। वहां पहुंचकर वो नवरीत सिंह के घर वालों के साथ मुलाकात करेंगी, संवेदनाएं व्यक्त करने वाली हैं और हालचाल जाने वो रामपुर पहुंच चुकी हैं। नवरीत सिंह के घर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। 26 जनवरी के दौरान हिंसा में नवरीत की मौत हो गई थी। मैं आपको बता दूं, ट्रैक्टर ऊपर गिरने की वजह से नवरीत की मौत हो गई थी। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंची हैं, लेकिन दिल्ली से रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी का काफिला हादसे का शिकार भी हो गया था। रामपुर जाते वक्त रास्ते में प्रियंका के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि गनीमत की बात है कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची है और हर कोई सुरक्षित रहा है। वहीं बीजेपी नेता केसी जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रामपुर पहुंच चुकी है नवरीत की मौत पर दुख व्यक्त करने पहुंची है, क्या कुछ लग रहा है आपको कि किस तरह की ये राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है या क्या कुछ है? देखिए, तमाम सारी शहादत आप देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से दो जो हिंदू संत थे उनकी किस प्रकार से मार मार करके वहां पे हत्या हुई थी जी। लेकिन उनपे न तो प्रियंका गांधी जी ने शोक व्यक्त किया और न राहुल गांधी जी ने शोक व्यक्त किया। और जिस प्रकार से अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा दो हिंदू संतों की हत्या हो, उस पर किसी प्रकार का न तो उन्होंने सवाल खड़ा किया और न तो वहाँ पे जाने की जहमत की। ये वहाँ महाराष्ट्र में जो घटना हुआ था हुई थी, लेकिन ये जो घटना हुई है ठीक है, राजनीति कहिए या संवेदना कहिए, उनको जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और आगे जिस प्रकार की विधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस वजह से लगातार जिस तरह से विपक्ष घेरने की कायद कर रहा है बीजेपी को, कहीं ना कहीं वही लगातार नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, संसद से लेकर महापंचायत तक हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर बात क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, वार्ता लगातार हो रही है और जो 10 राउंड की वार्ता हुई और 60 दिनों तक किसान आंदोलन में बैठे रहे और उनको सारी चीजों को समझाने का भी प्रयास किया गया। किसान, जितने भी किसान और किसान नेता थे वो लगभग संतुष्ट भी थे, संशोधन के लिए वो तैयार भी थे और उनकी मांगे भी पहले संशोधन की थी। फिर उसके बाद में उन्होंने आगे जो अपना कार्यक्रम तय किया कि नहीं, हम दिल्ली में 26 जनवरी को मार्च निकालेंगे, उसकी भी अनुमति सरकार ने और दिल्ली जो सरकार ने दी, साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी उसकी परमिशन दी। ऐसे में जो घटनाक्रम वहां पे जिस प्रकार से देखने को मिला 26 जनवरी को, तो उससे नहीं लगता है कि ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन है। वास्तव में इसमें जांच हो रही है, जो खालिस्तानी लोगों को इसमें जुड़ने की बात सामने आ रही है, इसमें जो वामपंथी है वो जिस प्रकार से इसमें आंदोलनरत है और कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है, ना तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचा है, तो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को वो भुराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ किसान आंदोलन अब कांग्रेस का आंदोलन हो गया है और जो भी ये घटनाक्रम हो रहा है, देखिए, माननीय तोमर साहब ने भी लगातार कहा कि आप लोग शांति और धैर्य बनाए रखें, 1.5 से 2 साल के लिए ये जो बिल है ये पेंडिंग भी हो रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कदम किसी भी किसान को उठाने की आवश्यकता नहीं है, माननीय तोमर साहब लगातार समझा रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और हमें लगता है अगर इस घटना की भी जांच होगी तो किन लोगों ने उकसाया, किस तरीके से ये घटना हुई, ये भी सामने आएगा और इसकी जांच बिल्कुल 100% की जांच होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोई भी अपराधी, वो चाहे उकसा रहा हो या स्वयं उस घटना को कर रहा हो, बच नहीं सकता है।
लेकिन जैन साहब, जिस तरह से आज 8 सांसद भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे अपना समर्थन देने किसानों को, वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा जो कीले लगाई गई थी बॉर्डर पर और जो बैरिकेडिंग की गई थी, वो आज हटती हुई देखी गई, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, वहीं पुलिस का कहना है कि हम ठीक कर रहे हैं, तो क्या बैक फुट पर आती हुई दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है? सरकार का रुख थोड़ा बैक फुट पर आ रहा है जिस तरह से लगातार विपक्ष जो लामबंद दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार पहले से बैक फुट पर है और सरकार बैकफुट पे जाने पे कोई संकोच भी नहीं कर रही। सरकार तो जनता के हित के लिए है, किसानों के हित के लिए सरकार है। अगर हमें बैकफुट पे भी जाना पड़े और उसमें किसानों का हित निश्चित है तो उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि तीनों जो बिल है वो सदन में पारित हुए हैं और उस सदन सदन दोनों में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद, वो कानून बन गए हैं। उस कानून को भी सरकार 1.5 साल के लिए पेंडिंग करने के लिए तैयार है। और ऐसे में जो बात ये हो रही है कि सरकार पीछे हट गई और सरकार गलत इसलिए पीछे हट गई, देखिए अगर हम अपनी जो हमारे देश की जनता है, कहा भी गया है कि जनता के द्वारा जनता पर जनता की चुनी हुई सरकार, तो ये कोई राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो सरकार दो कदम पीछे हटती है। कोई सरकार का अड़ियल रवैया हो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किसान हित में हो या जनता के हित में हो, फैसले लेने के लिए हमेशा अग्रसर है और अगर कहीं पे कोई भूल चूक हुई है उसको सुधारने के लिए भी हम तैयार है। तो उसमें जितने भी संशोधन है वो करने के लिए तैयार है, 1.5 साल के लिए पेंडिंग करने के लिए तैयार है। रही बात बैरिकेडिंग की, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उनको फॉलो किया जाएगा। अगर लगता है वहां सातपुर आंदोलन हो रहा है या कुछ इस तरीके का घटनाक्रम नहीं होने वाला है तो बैरिकेडिंग कम की जा सकती है। और जो कैप्चर कर रखा है पूरी दिल्ली के लगभग 2 करोड़ की ऐसी आबादी जो पूरा चारों तरफ से घेर रखा है किसानों ने, क्या उनके अधिकार नहीं है? क्या वो टैक्स पे पर्सन नहीं है? तो जो टैक्स दे रहा है उसके कोई अधिकार नहीं, और अन्नदाता के नाम पर आप अराजकता करेंगे, इसको क्या स्वीकार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं स्वीकार। अगर बैकफुट पर है सरकार तो क्यों नहीं इन बिलों को वापस लेती है, एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है और किसानों का आंदोलन को खत्म कर दे? देखिए ये कोई बात नहीं हुई, बात ये है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, हम इसे बिल्कुल विपक्ष का आंदोलन नहीं बनने देंगे। केंद्र की सरकार इसको विपक्ष का आंदोलन नहीं बनने देगी। और इस तरीके से तो अगर किसी का भी कोई बिल आया, चाहे वो व्यापारियों का हो या अन्य किसी भी प्रकार का कोई बिल आया, टैक्स में अगर कोई परिवर्तन होता हो, हर कोई देखिए भीड़ तंत्र से देश नहीं चल सकता। ये तो भीड़ तंत्र है कि हम अगर 10-50 हजार लोग सड़क पे बैठ गए तो आपको सीधे सीधे पूरा कानून वापस करना पड़ेगा। अरे जो पूरे देश की जो संसद है और जो वहाँ पे जो सांसद वहाँ पर बैठे हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र का, तो उन लोगों की राय बसरों के बाद में बिल तैयार हुआ है। फिर भी अगर संशोधन की जो आवश्यकता है, आप उसमें से लगता है 90% अगर संशोधन होना है वो भी आप कर दीजिए, बिल वापसी का क्या मतलब है? ये तो सीधे सीधे विपक्ष ये चाह रहा है, विपक्ष चाह रहा है कि देश की छवि खराब हो, सदन की छवि खराब हो। 26 जनवरी को वही तस्वीर उन्होंने पेश की, पूरे राष्ट्र के सामने नहीं पूरे विश्व के सामने, 26 जनवरी को पूरे विश्व की मीडिया रहती है। ऐसे में जिस प्रकार से चीजें वायरल हुई, क्या ये चीजें होनी चाहिए थी? दिल्ली में लाल किले पे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन देश का अपमान करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ लाल किले को कैप्चर करने की कोशिश की गई। ये कौन सा आंदोलन है? इस आंदोलन के डर से सवाल यही उठता है ना कि जिस तरह से लगातार सरकार कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार है सदन से लेकर महापंचायत तक, लेकिन जब बात की जाती है, जब विपक्षी दल तमाम ये कह रहे हैं कि हम सदन में सिर्फ कृषि कानूनों के मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर सकते, संजय सिंह को भी सत्र से बाहर कर दिया गया और 2-3 नेताओं को और भी बाहर कर दिया गया, तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? जब डिबेट में लोग बैठ कर बात कर सकते हैं, तमाम नेता वहां अपनी राय रख सकते हैं, तो सदन में क्यों नहीं कृषि कानूनों को लेकर बात हो सकती है? ये सदन में सरकार जो है उस पर चर्चा कराना चाहती है जी। लेकिन विपक्ष के हिसाब से चर्चा नहीं होगी कि जो ही अभिभाषण जो होना है माननीय राष्ट्रपति महोदय का, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया, सदन में हंगामा किया। और सदन में हंगामा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चर्चा नहीं चाह रहे, ये केवल और केवल हंगामा चाह रहे हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है, इसीलिए सदन चालू किया गया, लेकिन सदन का पूरा समय हंगामे में बर्बाद करके और सदन में इसी प्रकार से रोक लगा करके ये चर्चा करना नहीं चाहते। इनके पास चर्चा का कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे उनके पास चर्चा का मुद्दा नहीं है तो आप किसानों के साथ चर्चा कर लीजिए, क्योंकि आपको समझाना आखिर में किसानों को है, क्योंकि जिस तरह से बोला गया प्रधानमंत्री द्वारा भी कि एक फोन कॉल की दूरी है, वो फोन कॉल किस नंबर पर किया जाए, किसको करना है वो फोन कॉल, किसके जरिए किया जाएगा, क्या प्रधानमंत्री करेंगे या किसान करेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं तो स्पष्टीकरण दिया जाए सरकार के द्वारा कि कहां ये चीजें खत्म होंगी।
कहीं पे कोई भ्रम की स्थिति नहीं है जी। सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 1.5 साल से 2 साल के लिए हम इस किसान बिल को पेंडिंग कर रहे हैं जी। और इसलिए पेंडिंग किया जा रहा है इसको, इसलिए उस पर तब तक रोक लगाई जा तो रही है। पेंडिंग को तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि एक तरह का लॉलीपॉप है कि अभी थमा दिया जा रहा है। ये विपक्ष की चाल है और कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई बिल पास हो और वो लागू हो। और चूंकि कांग्रेस से हाथ से सत्ता जा चुकी है, सत्ता की लोलुपता ये इस तरीके के कार्य करने के लिए उनको बाध्य कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए कर रहे हैं। रही बात तीनों किसान बिलों की, इसी वजह से जो किसान आंदोलनरत थे, जो 40 से ज्यादा इनके संगठन थे, उसमें से 10 से 12 संगठन ऐसे जिन्होंने लिखित रूप से दे दिया है कि हम इस किसान आंदोलन में शामिल नहीं है। क्यों वो शामिल नहीं है? उन्होंने कहा ठीक है आप संशोधन करिए, संशोधन के बाद में हम बिल देखेंगे, उसका मसौदा देखेंगे, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे। यही सारे किसान नेता कर सकते हैं, यही सारे लोग कर सकते हैं, और यही सरकार भी कह रही है कि ये संशोधन हो जाए। 1.5 से 2 साल तक बिल पेंडिंग है, आप देख लीजिए, आपको लगे सही है तो लागू होगा, लगे नहीं सही आप फिर से आंदोलन करिए, इसमें क्या दिक्कत है? सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, कांच के शीशे की तरह एकदम चीजें साफ है, कहीं पे कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। भ्रम केवल विपक्ष फैला रहा है, इसमें खास करके वामपंथी और कांग्रेसी जो है, इनके हाथ से सत्ता जा चुकी है, सत्ता लोलुपता में इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति करने के लिए लामबंद है। वहीं आपको बता दें रामपुर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। 26 जनवरी को जो जिस तरह का उपद्रव मचाया गया, उसमें जिस तरह से एक युवक की हत्या हो जाती है, उसके बाद प्रियंका गांधी का ये दौरा भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।